नमस्कार। राजस्थान मौसम अपडेट के बारे में बात करेंगे। फिर से होगी बारिश की गतिविधियां और किसान भाई अलर्ट मोड पर रहे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने एक कम दबाव का क्षेत्र से उत्तर भारत में पहुंच रही पूर्वी हवाओं के कारण भी मध्य भारत में बरसात की गतिविधियां शुरू हो चुकी है। यह बरसात का दौर काफी सक्रिय है, जिसका भी असर सबसे ज्यादा हरियाणा में देखने को मिलेगा। साथ ही पूर्वी राजस्थान, पंजाब व मध्य प्रदेश में बरसात के तेज दौर भी देखे जा सकेंगे, जो कि 18 अक्टूबर तक दर्ज की जाएंगे। इसीलिए किसान भाई जल्द से जल्द फसलों का भंडारण करें, नहीं तो नुकसान तय है। बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। एक कमजोर WD इस समय अफगानिस्तान के साथ लगते ईरान के इलाकों पर बना हुआ है। सबसे ज्यादा इसका असर भी कल रात के बाद ही पश्चिमी में पूरी हवा मिलने के बाद एक सशक्त द्रोणिका उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बनेगी, जिसके कारण उत्तर भारत के बड़े इलाकों में बरसात भी दर्ज की जाएगी। इस प्रभाव के कारण पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर इन इलाकों में बरसात देखने को मिलेगी। साथ ही राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कल दोपहर से और आज तक मौसम बदलना लगेगा और कल सब जगह साफ बना रहेगा। और दोपहर के बाद झालावाड़, बारा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी दर्ज की जाएगी। साथ ही मौसम विभाग की माने तो 17 व 18 अक्टूबर के दौरान राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में तेज आंधी और तेज हवा चलने की संभावना है। कुछ जगह तो मध्यम बरसात की होगी, तो कुछ जगह पर एक दो स्थानों पर भारी बारिश की भी आशंका मौसम विभाग ने लगाई जा रही है। कोई मौसम की ताज़ा रिपोर्ट आएगी तो उसके बारे में भी आपको बता दी जाएगी। अभी के इतना ही। चैनल पर नए तो जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।